मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में लगी भीषण आग। किन्हीं अज्ञात कारणों से शाम के समय हाईकोर्ट की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग जाने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई एवं पूरे जबलपुर शहर में हड़कंप मच गया। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा एवं फायर ब्रिगेड के कुछ घंटों के प्रयास से भीषण आग पर काबू पा लिया गया एवं वहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक उपकरण और जरूरी कागजात जलकर खाक होने की शंका जताई जा रही है। बड़ी संख्या में नुकसान होने की संभावना है। नुकसानी आंकलन के लिए यह पूरा मामला उच्च स्तरीय जांच का विषय है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। वहीं जानकारों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी बातों को रखते हुए बताया कि हाईकोर्ट में आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है और किसी की साजिश का रूप भी हो सकता है। इसके पूर्व में भी मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आग लगी है जहां शासकीय संस्थान भी शामिल है। आग से बचाव के लाखों उपाय है एवं सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए। अग्निशामक यंत्रों को मौके पर रखना अति आवश्यक है। आगामी समय में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। जिस तरह से जबलपुर हाईकोर्ट में आग लगी है इसकी पुनरावृत्ति के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी तार की फिटिंग कितनी पुरानी है, बिजली की फिटिंग कितनी पुरानी है, तार कितने पुराने हो गए हैं, उनके बारे में देखना जरूरी है। हम जब जा रहे हैं तो हमारा कहीं स्विच ऑन तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं पर तार गर्म होकर बाहर तो नहीं आ गई हैं, तो इस तरह कहीं कोई संभावनाएँ तो नहीं है। उसका हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमें यह भी देखना चाहिए कि उस कमरे में की क्या स्थिति है, रिकॉर्ड्स कहाँ पर रखे हुए हैं, किस तरह से रखे हुए हैं, जिनकी यदि बिजली की स्पार्किंग हो तो उन तक वो पहुँच के बाहर होने चाहिए। और यदि मान लीजिए कोई दस्तावेज उनसे लगा के रखे हैं तो उनको दूर रखिए दस्तावेजों को, उन तारों से, उन जो फिटिंग के जो प्लग हैं जो इनका उपयोग अपन रोज करते हैं उनसे हमेशा उनको दूर रखें ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इस तरह के हमेशा कई बार देखे गए हैं कि मध्य प्रदेश शासन के कई कार्यालयों में आगजनी हुई है और आगजनी से काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे उमरिया नगर पालिका में भी एक समय आग लगी थी और दस्तावेज नुकसान हुए थे और शासन और प्रशासन और जो वहाँ के कर्मचारी हैं इन सबको देखना जरूरी है कि हमें किस तरह से हमने व्यवस्था कर रखी है और किस तरह से हमने उस व्यवस्था को किस रूप में परिणित किया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या हमने वहाँ हर संभव प्रयास किए हैं कि जिससे नुकसान ना हो, जिससे क्षति ना हो, जिससे आगजनी ना हो, हमें हर संभव स्थिति का जायज़ा लेना जरूरी होता है। यह नहीं है कि हमने रिकॉर्ड रूम बना लिया, हमने दस्तावेज रख दिए और दस्तावेज सुरक्षित हो गए, तो इससे ये सुरक्षा नहीं। हमको सुरक्षा की हर कार्रवाई करना चाहिए। अग्निशामक वहाँ पर कोई व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पर आपके कोई भी उपाय है कि नहीं कि हम आदमी को रोक सकें, तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। उनका सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, सिक्योरिटी की क्या चीज़ें हैं और सिक्योरिटी पर ध्यान न देने की वजह से ये घटना जबलपुर हाईकोर्ट में घटी है। और ये बड़ी दुखद घटना है कि इतने बड़े जहाँ पर जबलपुर हाईकोर्ट तरीके जगह पर इस तरह की दुर्घटना हुआ। जबलपुर उच्च न्यायालय में जो आग लगी कल शाम को, निश्चित रूप से वो एक चूक है, प्रशासनिक चूक है और जिन किन पश्चातों में आग लगी अभी कोई पता नहीं चला। परंतु इन सब बातों से हमको शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि उमरिया ज़िले के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो कि अति संवेदनशील है, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हैं, उनका भी रखरखाव ठीक से हो, लाइट का व्यवस्था ठीक से हो, आसपास कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो उससे दूर रखा जाए एवं एहतियातन तौर पर ऐसे ऑफिस में कार्यालय में जो उसके विभाग प्रमुख हैं वो अपने कर्मचारियों को भी इस बात की ताकीद करें, उनको सावधानी बरतने के लिए निर्देशित करें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे। यदि घटेगी तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि जबलपुर के घटना से किसी ने उच्च न्यायालय की घटना से किसी ने अच्छी तरीके से कोई लेसन नहीं लिया, कोई पाठ नहीं लिया है। हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग जबलपुर की जबलपुर हाईकोर्ट हमारे प्रदेश का न्याय मंदिर है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त है। इसके बावजूद भी अगर वहाँ आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है इस भीषण गर्मी में और कहीं न कहीं लापरवाही भी हो सकती है,
इस विषय पर जो है इसकी जांच की जानी चाहिए, और जांच के बाद अगर कहीं किसी का दोष है तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर नहीं पाया जाता ऐसा कुछ तो यहाँ इस तरह के अभिलेख सुरक्षित हो जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन और भविष्य का निर्धारण होना, जाहिर है वहाँ फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आग लगती है तो ये मानवीय चूक हो सकती है या षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए इस तरह के मामलों की बहुत गहन जांच होनी चाहिए, हाई पावर कमेटी जांच करनी चाहिए, और अगर कहीं इस तरह की लापरवाही सामने आती है जिसमें कहीं कोई उदासीनता है, लापरवाही है या किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।